हेलो गाइस दोस्तों, आज वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि फॉल सीलिंग के अंदर जो है लाइट्स की कटिंग उसको कैसे किया जाता है, उसकी मार्किंग करने के बाद में लाइट की कटिंग करने का क्या प्रोसीजर है, और लाइट के फिक्सर्स जो है हमें कैसे यूज करने होते हैं, कहाँ पे लाइटिंग का हमें ध्यान रखना है, कहाँ पे हमें बॉल का ध्यान रखना है, वो पूरी ड्रिलिंग आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। दोस्तों आप देख रहे हैं आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश चाटीवाल। गाइस अगर आप चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो गाइस यहाँ पे जो मेनली है सीलिंग के अंदर हम तीन तरह की जो लाइट्स है उसकी कटिंग करने वाले हैं। दोस्तों पहली जो लाइट है हमारे पास में जो कि है डाउन लाइटर या फिर मैं कहूँ सीलिंग पैनल। दोस्तों ये जो सीलिंग का पैनल है, इस पैनल का काम होता है आपकी लाइट को स्प्रेड करना। पूरी जो लाइटिंग है वो लाइटिंग मैक्सिमम आपको जो है वो पैनल के थ्रू ही आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा जो सेकंड लाइटिंग है जो वॉल्स को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो जो लाइट है वो है हमारे पास में एक लेजर लाइट। दोस्तों ये जो लेजर लाइट है इसको कहीं निश वगैरह सीलिंग के अंदर अगर आपने प्लान किया हुआ है तो निशेस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो कलर का जो भी अपने पास डिटेलिंग है, अगर जैसे लाइट का हमारे पास में जो मैक्सिमम लाइट चाहिए वो हमें पैनल के थ्रू मिलेगी, तो पैनल की जो लाइटिंग है वो हमें व्हाइट के अंदर पूरी रखनी है अपने पास में। इसके अलावा जो कई फिक्सर्स या बॉल्स को हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे वॉर्म व्हाइट जो कलर है उसके अंदर भी लाइट्स आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक सीओबी जो पैनल है वो भी हमने इसमें यूज किया हुआ है। तो गाइस आउटर साइड के अंदर आप देखोगे तो आपको ये जो लाइट का फिक्सचर है वो देखने को मिलेगा जिसे सीयूवी लाइट बोलते हैं। दोस्तों इसको हम जो है वार्म व्हाइट कलर के अंदर इसको यूज करने वाले हैं, जिससे लाइटिंग का जो फिक्सचर है काफी अच्छा जो है निकल करके आएगा और हमारा जो एनवायरमेंट है लाइटिंग के साथ में काफी अच्छा डेकोरम बन करके सामने आएगा। दोस्तों सीलिंग के अंदर जो है लाइट की कटिंग करना, ये जो जॉब है इस जॉब को एक परफेक्टली जो है फिनिशिंग तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी सीलिंग के अंदर जो है डैमेज वगैरह नहीं होगी, लेकिन इसको करने के लिए जो एक स्किल वेंडर का साइट के ऊपर होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसको लाइटिंग का जो कटिंग करने का अनुभव हो, उसको एक्सपीरियंस हो, तभी जाकर के आप फॉल सीलिंग के अंदर अपनी लाइट की कटिंग करवाएं। दोस्तों इस साइट के ऊपर जो है अभी फॉल सीलिंग के अंदर लाइट की कटिंग हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर ये जो लाइट का फिक्सर है, इस लाइट के फिक्सर की जो है मेजरमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक जो है एक ठिया बनाना है जिस ठिए से इसका रेडियस लाइट का जो सेंटर है उस सेंटर से इसका रेडियस आपको लेना है और साइट के ऊपर मार्किंग करनी है, जैसा कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। तो गाइस देखते हैं कि यहाँ पे पीछे की तरफ में जो एक लाइट की पूरी कटिंग की जा रही है, लाइट की कटिंग कैसे हो रही है वो साइट के ऊपर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो गाइस आप देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरा फर्मा पूरा बना लिया है। फर्मा बनाने के बाद में सेंटर जो है जो भी लाइट का आपका पॉइंट है उसको सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद में आपको उसका रेडियस का मेजरमेंट लेकर के उसका डाया पूरा कट करना है, जैसा कि आपको यहाँ वीडियो में भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि सेंटर के अंदर जो है लाइट की पूरी मार्किंग होने के बाद में ये पूरा जो फर्मा है उस फर्मे को लाइट की जगह पूरा सर्कल जितना भी लाइट का डाया है वो डाया कट किया जा रहा है। तो लाइट के डाया को पहले साइड के ऊपर मार्क करना है। जैसे ही मार्किंग हो जाती है, मार्किंग करने के बाद में आपकी जिप्सम सीलिंग हो या फिर पीओपी जाली की सीलिंग हो, दोनों के अंदर कट किया जाता है। अब दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पे कैसे जो है वेंडर इसको पूरी कटिंग करेगी। इसके बाद में ये जो पीओपी है, पूरा पीओपी जो है उसको यहाँ पे कट किया जा रहा है, मतलब पीओपी को तोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों इससे क्या, कट करने से जैसे भी सील वगैरह होगी उससे आपने लाइट की डायर को आपने कट कर लिया तो आपकी सीलिंग जो है इस लाइट के अलावा डैमेज नहीं होगी, जैसा कि आपको वीडियो में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देखते हैं कि यहाँ पे पूरी पीओपी की जाली करी हुई है, जो भी आपको नीचे आपको पूरा पीओपी मिलेगा और ऊपर जाकर के इसमें पीओपी जो जाली है वो भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो गाइस फॉल सीलिंग के अंदर जो लाइट की कटिंग है, लाइट की कटिंग आपका जो भी इलेक्ट्रिकल लेआउट है, इलेक्ट्रिकल लेआउट में सीलिंग के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि सीलिंग के डिजाइन कैसे क्या बने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही लाइट का जो प्लेसमेंट है उसको किया जाता है। तो वह सेंटर के पार्ट में जो आपको बड़ी लाइट दिख रही होगी जिससे कि हम पैनल जो है लाइटिंग इसको बोलते हैं, पैनल लाइट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और दो जो छोटी लाइट की आपको कटिंग देखने को मिल रही है, एक शोकेस आपका यहाँ हो गया और सेकंड शोकेस आपको वहाँ देखने को मिल रहा होगा, जिसके अंदर की हम जो है सीओबी लाइट को हम यूज करने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो फर्नीचर है फर्नीचर के ऊपर लाइट का जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा निकल करके आएगा। तो दोस्तों आपको लाइट का अरेंजमेंट आपको इसी तरह करना है कि आपकी वॉल्स का डिजाइन क्या है, आपकी वॉल पैनलिंग कैसे हाईलाइट हो रही है, दीवारों को कैसे आपको हाईलाइट करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको लाइट के जो फिक्सचर्स है उसको आपको चूज करना है और उसके बाद में ही सीलिंग के ऊपर लाइट की कटिंग करनी है। जैसा कि आप सामने वाली चैम्बर में आप देखोगे तो इसके अंदर जो है हमें लाइट ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पैनल्स की पूरी कटिंग कराई हुई है और बीच में जो टेबल हमारे पास आ रही है, नीचे जो डेस्क है उस डेस्क के ऊपर जो है एक सस्पेंडेड जो लाइट है उसको हम यहाँ पे हैंग करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक निश भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरा निश है, इस निश के अंदर जो है वॉर्म व्हाइट के अंदर हम लेजर लाइट यहाँ पे यूज करने वाले हैं और एंट्रेंस के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर भी यहाँ पे एक सीओबी की लाइट की कटिंग हमने करवाई हुई है। दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे ये एंट्रेंस हो गया और एंट्रेंस के ऊपर भी एक सीओबी की लाइट की कटिंग आपको देखने को मिलेगी। नीचे जो है एल्यूमिनियम के पार्टीशन वगैरह लगेंगे स्लिम प्रोफाइल के साथ में। तो दोस्तों आगे वाली जो सीलिंग है उस सीलिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे जो डाउन लाइटर्स हैं उसकी पूरी कटिंग अभी होती हुई आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी, जैसा कि आपको लेफ्ट के अंदर भी यहाँ पे
देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको प्रॉपर जो है साइट के ऊपर प्रॉपर मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट करने के बाद में लाइट फिक्सर्स के अकॉर्डिंगली ही आपको जो है पूरी कटिंग इस पर करनी होगी। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको जो है फुल सीलिंग की जो लाइट्स की कटिंग कैसे करनी होती है उसकी ड्रिलिंग आपको जानने को मिली है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रे कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल आर्क इंटीरियर्स पर रमेश चाटीवाल के ऊपर अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।